नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। वसुंधराज पी के अनुसार AK-47, इंसास और SLR जैसे हथियार भी मिले। 1 जनवरी से 22 नवम्बर तक 207 नक्सली मारे जा चुके हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ में 1.02 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। साथ ही केन्या ने अडानी ग्रुप के 21,422 करोड़ रुपए के बिजली और एयरपोर्ट विस्तार डील रद्द कर दी। दिल्ली शुक्रवार को फिर से देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, जहां AQI 400 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे औसत AQI 371 दर्ज किया गया, जो बुधवार के 419 से थोड़ा बेहतर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अलग अलग कामकाजी समय और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे ST-SC मामले की सुनवाई हुई। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला ST-SC एक्ट के तहत खारिज कर दिया गया, वहीं सलमान खान केस पेंडिंग में डाल दिया गया। अदालत ने दोनों के मामलों में अलग अलग फैसले दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन गुयाना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत और गुयाना के बीच मजबूत रिश्तों की बात की। उन्होंने कहा कि भारत और गुयाना को संस्कृति, व्यंजन और क्रिकेट ने गहरे से जोड़ा है। मोदी ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को और सशक्त बनाने की दिशा में आशावाद व्यक्त किया। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का IPO आज ओपन हो गया। निवेशक इसके लिए 26 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। 29 नवंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE पर लिस्ट होंगे। इसका साइज 650.43 करोड़ रुपए। एक्ट्रेस सीना खान बिग बॉस 18 में खास मेहमान बनकर नजर आएंगी और भाग लेने वालों को मोटिवेशन और पॉजिटिव संदेश देंगी। हिना और सलमान खान का गहरा रिश्ता है और दोनों को एक बार फिर शो पर साथ देखना दर्शकों के लिए खास होगा। बता दें कि कुछ महीने पहले हिना ने अपने ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी साझा की थी, जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। संघ लोक सेवा आयोग UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की आज यानी 22 नवंबर 2024 को लास्ट डेट है। UPSC ने ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर एग्जाम का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को अपने ब्लॉग पर परिवार और निजी मामलों को लेकर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे परिवार के बारे में बोलने से बचते हैं, लेकिन कुछ लोग इन मुद्दों का गलत फायदा उठाते हैं। ये पोस्ट ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की अफवाहों से जुड़ी हुई मानी जा रही है। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ सभी डील रद्द कर दी, जिसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ सभी डील रद्द की, जिसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये निर्णय अमेरिका में गौतम अडानी और अन्य 8 व्यक्तियों पर अरबों रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद लिया गया। केन्या सरकार ने इस कदम को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के रूप में बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले में ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी। केजरीवाल का कहना है कि मुकदमा चलाने के लिए ईडी ने सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर रोबोटिक डॉग तैनात करने की योजना बनाई है। ये रोबोटिक डॉग ऊंचे पहाड़ों से लेकर पानी की गहराई तक काम करने में सक्षम है और 10 किलोमीटर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। हाल ही में इन रोबोटिक डॉग्स ने जैसलमेर के पोकरण फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के साथ अभ्यास किया। BMW इंडिया ने भारतीय बाजार में BMW M5 परफॉर्मेंस सेडान को लॉन्च कर दिया है। ये 7वीं जनरेशन का मॉडल इतिहास का सबसे पावरफुल M5 है। कंपनी का दावा है कि कार सिर्फ 3.5 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी कीमत 1.99 करोड़ रुपए रखी गई है। G-MAN 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 22 नवंबर 2024 है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए एक नई मध्यम दूरी की MRBM का परीक्षण किया है। पुतिन ने चेतावनी दी कि ये मिसाइल उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है जिन्होंने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में आयोजित दूसरे भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में कैरेबियाई देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मोदी के इस कदम से भारतीय और कैरेबियाई देशों के रिश्तों में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। एक नई वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है जिसमें अनुमान जताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2100 तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वृद्धि विशेष रूप से हिमनदों के पिघलने और समुद्र के गर्म होने के कारण होगी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार 9 दिसंबर 2024 से आयोजित होने वाली PET परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड csbc.bih.nic.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया है जो वॉइस नोट्स को टेक्स्ट में बदल देगा। अब यूजर्स वॉइस नोट्स को सुनने के बजाय आराम से पढ़ सकते हैं। ये फीचर शोर शराबे वाली जगहों या मीटिंग्स में बहुत उपयोगी साबित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुयाना के जॉर्जटाउन में सरस्वती विद्या निकेतन सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया जहां छात्रों ने भजन और कथक नृत्य से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय आगमन स्मारक का दौरा कर बेल पत्र का पौधा लगाया। COP29 जलवायु सम्मेलन में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि सभी देशों ने जलवायु वित्त सहायता पर नए मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय मदद की मांग की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई शुरू की जिसमें 15 लंबित मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने तत्काल सुनवाई की अपील की जबकि न्यायमूर्ति कांत ने याचिकाओं के समेकन को लेकर सवाल उठाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में मामले स्थानांतरित करने की मांग की। वेडिंग कार्ड के जरिए हो रहे फ्रॉड को लेकर टेलीकॉम मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अपने व्हाट्सएप पर आए अनजान शादी की कार्ड को ओपन करने से पहले सावधान हो जाएं। इसके जरिए आपका मोबाइल हैक हो सकता है जिससे लाखों करोड़ों रुपए के आपके अकाउंट से खाली किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें CPS और संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया था। 22 नवंबर को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 2000 अंक से बढ़कर 79,160 पर पहुंच गया। निफ्टी में 600 अंक चढ़कर 23,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में बढ़त और निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में तेजी है। माँ कुंभ मेले के दौरान भारतीय रेलवे 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 19 नवंबर को भेजे पत्र में दी। रेलवे ने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक विकास कामों को पूरा कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है नौशाद रजा, परमिला कुमारी, संजीव कुमार, छोटू राजा, दीपक कुमार, रामबाबू दास, किशन, मोहम्मद साकिर हुसैन, कुश कुमार यादव, मोहम्मद इरफान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपने ऐसा करियर चुना जो आपकी उम्मीदों से अलग है? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़।